इल्मी वाली, यानी कि इल्मी गुफ्तगू कह लें इसको। सब कुछ करने के बाद मैं ये नतीजे में पहुंच गया कि अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज इज़ वेरी डिफिकल्ट, समझ में आना जो है ना वो बहुत ही मुश्किल है। प्रैक्टिकली कर भी लो, इवन इफ़ यू प्रैक्टिस दोज प्रैक्टिस, स्टिल यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट। ये समझ में नहीं आती, ये इल्म जो है ना, किसी भी किस्म का इल्म, ये समझ में नहीं आता। अच्छा, समझ में क्यों नहीं आता, अगर ये पूछा जाए किसी से कि भाई समझ में नहीं आता, क्योंकि मसला ये है, टू ब्रिंग इट, ब्रिंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इन योर डेली रूटीन एंड लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, नमाज की हद तक तो ठीक है, नमाज जो है वो हुक्म है, आदमी 5 टाइम डिवाइड करके पढ़ता है, 5 अलग अलग वक्तों पर, या एक ही टाइम कज़ा पढ़ लेता है, बट दैट इज़ वन थिंग यू डू ऑन अ रेगुलर बेसिस, और उसमें इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, यानी कि इट्स नॉट बिग डील, यानी कि पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो भी कुछ नहीं, यानी कि सब बगैर नमाज के भी लोग फिर रहे हैं, ठीक है, नमाजी भी बेचारे जो है क्या कहते हैं उसे, अल्लाह के हुक्म की पासदारी रख रहे हैं और कर रहे हैं, इसमें नो डाउट, बट यू फाइंड अपोजिशन एवरीवेयर, यानी कि एक पढ़ रहा है तो दूसरा नहीं पढ़ रहा। अच्छा,